तो मुझे क्या करना चाहिए, कब दिखाना चाहिए क्विन के बारे में? वो कह रहे हैं कि हम इसको बेहोश करके हम चेक कर सकते हैं। मुझे कोई आई स्पेशलिस्ट यहाँ कराची में पता भी नहीं है एक्चुअली, दैट्स व्हाई आई नीड योर सजेशंस। ओके, देखिए ये जो इनकी बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई हेयरिंग की उसकी इशू की बात होगी या आई की उसकी इशू की बात होगी, या उसमें ना चेक, देखिए जैसे हम कल बात भी करते हैं, आपने शायद कल वाली मीटिंग अटेंड की, तो अबाउट अबाउट हेयरिंग एड के बच्चे उसको एक्सेप्ट नहीं करते। अब बच्चे हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि देखिए बच्चों के मल्टीपल इशूज भी हो सकते हैं, और कभी कभी मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, और ये लोग बहुत कम लोगों को बात पता है कि आपके एडीएचडी या एंगजाइटी या ऑटिज्म होने की वजह से आपके सेंसरीज जो है, सेंसरी इश्यूज होते हैं, यानी कि आपको धूप में नजर नहीं आता, आपको नजर इन द सेंस कि आपको धुंधला नजर आएगा, या सर में दर्द होगा, बहुत तेज लाइट आपको तकलीफ देगी, बहुत ऊंची आवाज आपको तकलीफ देगी। कल हम यही बात करते हैं ना, हियरिंग का ये इशू होता है, बहुत ज्यादा तकलीफ देती है आपको। और बहुत सारे लोग बाहर से जब दूसरे वापस आते हैं तो उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें, और ये सब रीजन सेंसरी इश्यूज की वजह से आज पर या हाइपो होने की वजह से होता है। कभी चीज आपको बहुत ज्यादा लगती है, कभी आपको चीज बहुत कम लग रही होती है, क्योंकि डिफरेंट साउंड और वो आपके इर्द गिर्द होते हैं, डिफरेंट लाइट होती है। तो जहां तक इसके बाद भी है, चेक करवाएं, क्योंकि देखिए अब जहां तक हम स्पेशलिस्ट की बात करते हैं, कि जो स्पेशलिस्ट जो कोई एक बंदा जो स्पेशलिस्ट जो उन बच्चों को देखे जिनके सेंसरी इशू हो गए, मल्टीपल इशू हो गए, जिनके डिसेबिलिटीज होती हैं, उनको चेक करें, तो ऐसे बहुत कम लोग मुझे लगता है मिलेंगे हमें, अगर हम अपने इर्द गिर्द देखना शुरू ये करें। मैं आपको हाथ ही नहीं लगाने देती, डॉक्टर्स को लात मारती है, मेरे लिए बहुत वो होता है, मुश्किल होती है। तो उन्होंने कहा कि या तो हम ऐसा करें, इसको बेहोश करें, फिर इसका आई चेकअप करें। मैं हाशमानीज लेकर गई हूँ इसको, क्योंकि देखिए जैसे आप तो ये बस बताए नहीं, बच्चों को ना मुझे डेंटिस्ट के पास जाते हैं क्योंकि उनके सेंसरी इशू बहुत, या वो स्ट्रेंजर एंग्जाइटी होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, या फिर बाकी जो ना बाल कटवाते हैं, ना बाल कटवाए थे, ना बालों को हाथ लगाने, बाल अब कटवाना बहुत अजाब होता है हमारे लिए, बिल्कुल क्योंकि जो मुझे बच्चों लग रहा है को। थोड़ा बहुत शायद हो सकते हैं उसके इश्यूज और चीजें, क्योंकि मल्टीपल होती है, समटाइम मल्टीपल चीजें और भी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ से पहले मैं और साइमा डिस्कस कर रहे थे, वो हम किसी बच्चे के बारे में बात करते जिसको मैं लगा था कि शायद उसको एडीएचडी हो सकता है, यू नो, लेकिन हम तो एग्जम्पशन देते हैं, हमारे पास जब तक बच्चा पूरा कंप्लीट नहीं होता हम तो उसके बारे में इतनी, लेकिन हम एग्जम्पशन देखते हैं हमने जो बाकी उसे वो किया होती है। तो जहां तक ये है कि मेरे ख्याल से इस किस्म की चीजें जो थी, ये स्पेशलाइज मेडिकल चीजें होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मुझसे पूछेगा मेडिकेशन के बारे में, तो मेडिकेशन के बारे में आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं साइकेट्रिस्ट नहीं हूँ, यू नो, वो मेरी जॉब नहीं कि मेडिकेशन को कम ज्यादा इन चीजों को करना बताऊँ, वो साइकेट्रिस्ट की जॉब होती है, ठीक है। ऐसे ही आप देखें कि क्या डॉक्टर जो कह रहे हैं, क्या उससे उसको नुकसान हो सकता है, जैसे वो कह रहे हैं कि उनको थोड़ा उसको ट्रैंकुलाइज करके कुछ इस तरह से करके उसको चेक करना पड़ेगा, तो इस किस्म की इन्फॉर्मेशन आपको डॉक्टर ही देगा, क्योंकि ये चीजें जो है ना बहुत स्पेशलाइज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई किसी दवाई को आगे पीछे करना है, ये करना है, तो देखिए वो डॉक्टर अगर अवेलेबल है, स्पेशलिस्ट आपके पास अवेलेबल है, आगा हमें पता करें अगर उस तरह से कुछ अवेलेबल है, क्योंकि बच्चों के मसाइल तो होते हैं, ईएनटी की प्रॉब्लम्स भी बच्चों को होते हैं, तो देखिए अगर आपको वहां पर कोई अवेलेबल होगा। एंड चलो अभी दोबारा बात स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यस यास्मीन जी, आप बात बता, उस टाइम बच्चे बात कर रहे थे, मैम। हमारी फायदा बीच में आके चली हम गई है। अच्छा मैं आपसे एक चीज पूछूंगी, कि आप जैसे कह रहे हैं कि एजुकेशन के बारे में, और मैं क्योंकि लोग बाद में फिर सुन भी रहे, तो मैं अक्सर जो है ना लोगों को टैग भी कर, फॉर एग्जाम्पल मैं 2-3 सेशन में तो मैंने लोगों को टैग किया, जैसे मैंने ह्यूमन राइट्स वालों को टैग कर दिया, एजुकेशन वालों को टैग कर दिया, ताकि एटलीस्ट सुने तो सही, बैंक्स को टैग कर दिया कि सुने तो सही कि लोगों के मसले क्या होते हैं, और उनको आइडिया कोई एक तो सुनेगा ना उसमें, या फिर आप, हमारा करने का मकसद भी यही है कि लोग को वो तक पता चले कि मसला क्या है, कोई एक अवेयरनेस के लिए आप, दिस इज द बेस्ट वे टू क्रिएट अवेयरनेस। आपने कहा एजुकेशन सिस्टम में, अब अगर मैं आपसे ही पूछूं, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव डिफरेंट होगा, बिकॉज माय पर्सपेक्टिव वुड बी कमिंग फ्रॉम प्रोफेशनल साइड, अगर आप लोगों को बाकी बच्चों के साथ पढ़ने का मौका दिया जाए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बुलिंग, बाकी बच्चों की बुलिंग होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स और भी होते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होता है उस सेटिंग में पढ़ना, क्योंकि पर्सनल उसमें मैटर करती है ना चीजें, अगर हम पर्सनल बात करें या निगलिजेंस की बात करें, अपना ख्याल भी अपनी रख रहे होते हैं, तो कितना जरूरी है मैम, लोगों को अच्छा उस एजुकेशन सिस्टम में लेकर जाना, यानी कि सेपरेट स्कूल होने चाहिए। नहीं मैम, मेरे ख्याल से पहले तो बच्चों को उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको स्पेशल स्कूल्स में ही रखना चाहिए। देन उसके बाद उनको इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए तैयार किया जाए।
क्या अगर आप इंक्लूसिव एजुकेशन में बच्चे को डालना चाहते हैं तो वहां पे आपको, वहां पे भी डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं. अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे टीचर्स वर्कशॉप्स इस तरह की नहीं होती जो स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल बच्चों के बारे में उनको ट्रेंड किया जाए, वरना तो आप देखिए हर कोने में कोई ना कोई कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज्ड हो रही होती है, कोई ना बिल्कुल। कोई वर्कशॉप हो रही और होती है इतने ज्यादा लोग बैठे होते रिगार्डिंग हैं, लगवाते कहाँ से हैं, इतने लोग बैठे होते हैं उसके अंदर। रिगार्डिंग, चाहे वो एनवायरनमेंट से हो, जियोलॉजिकल हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी टॉपिक आप उठा ले तो आप देखें कि हर रोज कोई ना कोई कोई हजारों से इवेंट्स हो रहे होते हैं. लेकिन कभी भी इन वीआई की सोशलाइजेशन के लिए या इनके मसाइल के ऊपर आपको नहीं मिलेगा कि कोई कॉन्फ्रेंस हो या कोई इस तरह की वर्कशॉप्स कंडक्ट करवाई हो या इन बच्चों के लिए कोई वर्कशॉप हो या इन स्पेशल टीचर्स के लिए जो इन बच्चों को डील करें. आप स्पेशल नीड्स के बच्चों को जैसे आप नॉर्मल के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन दिलवा रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे उन उन बच्चों को मैंने पहले भी कहा है कि पढ़ना पढ़ना उन्होंने भी वही है एबीसी, और पढ़ना उस बच्चे ने भी, नॉर्मल बच्चे ने भी वही चीज है, ठीक है. लेकिन तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, हमने ब्रेल के साथ यूज करना है, हमने जो लिखना है वो ब्रेल के साथ करना है. और मोस्टली ये होता है कि हमारा जो मैथ का सिस्टम होता है ना, बच्चों को मैथमेटिक्स, हमारे जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं ना, उनको थोड़ा सा मुश्किल होता है लगता है मैथ्स. तो अगर इंक्लूसिव एजुकेशन में, क्योंकि कंसंट्रेशन टीचर सिर्फ उन्होंने क्या करना है, ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगी, वो करेंगी और बच्चों को कर. मुझे अभी तक याद है मैम, मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में पढ़ती थी, वहां पे बीए बीएड कर रही थी. अब था फाइन आर्ट्स, मैं रो पड़ी थी कि मैं फाइन आर्ट्स कैसे पढ़ूं, मुझे तो रंग दिखते ही नहीं है, तो मैं इसको पढ़ूंगी क्या, कि मुझे आप आईसीटी दे दे, मुझे कंप्यूटर दे दे, मैं कंप्यूटर पढ़ लूंगी, कंप्यूटर आता है मुझे, मैं वो कर लूंगी, आप मुझे, मैं इसको क्या पढ़ू, क्या क्या करूं, कि पेंसिल कहाँ से पकड़ू, क्या ड्रॉ करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं पता इनका कलर का. उन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि आप बैठ ही रहे, कोई बात नहीं, आपका पेपर कोई और कर दिया करेगा. मेरे लिए चीज वो बहुत, एक कहते हैं ना जिसको, पेनफुल थी, दैट वाज अ अग्नि फॉर मी, कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता, फिर भी मुझे वो करना पड़ा. मैं घर आती थी, मामा से कहती थी, मामा आज उन्होंने मुझे फ्लावर्स बनाने का कहा है. मेरी मामा जो थी वो मुझे पेपर से वो बना के, बेटा इसको इस तरीके से काटो, इसको इस तरह कटिंग करो, तो वो मुझे कटिंग करके पूरा बताती थी कि इस तरह पापेट भी इस तरह बनता है, ये इस तरह बनता है, तो वो पूरा मेरा वो जो था ना वो मेरा करती थी, और मेरे पेंटिंग्स वगैरह जो होते थे वो मेरा भाई करता था. तो ये था कि मेरे फैमिली सिस्टम में थोड़ा सपोर्टिव थे, तो उन लोगों ने मुझे संभाल लिया. लेकिन मैं सोचती हूँ, मुझे अभी तक याद है, मिड टर्म था मेरा मैम, लेकिन उस मिड टर्म में मुझे नहीं, अब मिड टर्म में फ्लावर मेकिंग करनी थी, अब मैं बैठी हुई हूँ कि मैं अब क्या करूंगी, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूंगी, मेरे पीछे सारी मेरी सीआर तमाम लोग काम कर रहे हैं, पेपर कर रहे हैं अपना, एंड दैट लेडी, वो जो टीचर है, यार इसको भी तो कोई बता दो, इसका भी कोई पेपर कर दो, एंड दैट वाज एन अनटॉलरेबल बिहेवियर. मुझे मैं लिटरली रोने वाली हो गई थी. मुझे फिर मैंने फिर क्या किया, मैं कहा ओके फाइन, 5 साल मैंने अपनी जिंदगी के, मैं विजुअली इम्पेयर्ड तो नहीं थी ना, 5 साल रंगों को थोड़ा सा जानती तो थी, फिर मैंने किया कि मैंने एक पेपर पकड़ा अपना, जिसके ऊपर मैं ब्रेल से लिखती हूँ, मैंने वो पेपर पकड़ा अपना, स्टाइलस जो होता है ना हमारा, वो उसके आगे ना वो लकड़ी का होता है बना हुआ, उसके आगे निडल सी होती है, तो वो मैंने निडल के साथ पकड़ के उसको कटिंग की, और उसके बाद अपनी दोस्त से लिया, मैंने कहा मुझे रेड कलर का पेंट, तो मैंने ना ब्रश यूज किया ना कुछ, मैंने अपनी उंगलियों के साथ उसको ब्रश किया,
एंड उसके अंदर जो पेटल्स थे उसको मैंने, उसे कहा मुझे दूसरा कलर दो, वो मैंने किया। एंड वो लेडी जो टीचर थी वो मेरे पास सामने खड़ी, वो देख रही है कि ये क्या कर रही है। और मैंने अपनी एक एक फिंगर के साथ उसको वो किया, क्योंकि मुझे बचपन में ड्राइंग करना बड़ा पसंद था जब मुझे नजर आता था। तो वो शायद वो चीज थी मेरे अंदर की, इनेट एबिलिटी तो थोड़ी थी उस टाइम, वो काम आ गई। लेकिन मैं सोचती हूँ कि यार ये अगर हमारे, अगर वो लेडी, अगर उनको थोड़ा सा अंदाजा होता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन में ट्रेंड अगर वो होती और उनको पता होता कि हाउ टू डील विद अ स्पेशल या डिसेबल पर्सन, वीआईपी पर्सन, तो मे बी वो इस तरह का रवैया अपना एटीट्यूड, मैंने कहा ना बच्चे जो होते हैं ना, जो वीआई, वो मैम जो मर्जी कहते वो होते हैं सेंसिटिव, उनको एक बड़ी छोटी सी बात भी बहुत पिंच करती है, और वो उनको ट्रॉमा में भी ट्रॉमेटाइज भी कर सकती है, वो उनको बहुत कंटेंटेड भी कर सकती है। अब आपको नहीं पता कि वो बच्चा उस चीज को किस तरीके से फील कर रहा है, क्योंकि उसके लिए उसकी दुनिया बहुत डार्क है, वो कुछ नहीं फील कर, क्योंकि उसके इर्द गिर्द क्या है, वो क्या फील कर रहा है, एक नॉर्मल पर्सन नहीं जानता। दीज आर द निग्लेक्टेंस मैंने उस टाइम अपनी लाइफ हिस्ट्री में फेस की थी, कि मुझे जो मैं, क्योंकि उस टाइम मैं अकेली वहां पे थी, ब्लाइंड पर्सन, मुझे वो फेस करना पड़ा था। तो एक छोटी सी चीज है कि मैं उस चीज को मैं अभी तक नहीं भूल पाई। तो बस ये कि अल्लाह इन लोगों को चाहिए कि थोड़ी सी ट्रेनिंग दें, टीचर्स को, इवन स्टूडेंट्स को भी नरिश करें, इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस रखें जिसमें नॉर्मल बच्चों को भी बुलाया जाए, ये इंक्लूसिव ऑडियंस हो जिसमें, और उनको अवेयरनेस दे, उनको थोड़ी सी इस बारे में, जैसे आप, या फिर कॉन्फ्रेंसेस हो जिसमें इस तरह के पेपर्स पेश प्रेजेंट किए जाए, स्पीकर्स बुलाए जाए, ताकि लोगों के अंदर पता तो चले कि इन लोगों को किस तरीके से टैकल करना है। आया ये भी तो मखलूक है इस सोसाइटी की, अल्लाह ने हमें भी तो बनाया है। जिसमें मैं कौन मैं आई कौन बीच में बोला, फायजा बोली थी, यासमी कौन बोला है, आप बोली ना यस मैम, फायजा। मैं बोली थी, मैं बोली थी। मैम मैं यस्मीन की बात से ना इत्तफाक के राय रखूंगी, और यहाँ पर एक चीज और इंक्लूड करूंगी इसी चीज में कि यस्मीन तो कह रही है ना कि होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। जैसे हम दूसरों पर अगर ब्लेम करते हैं तो हम इस चीज को पहले एक्सेप्ट करते हैं? मुझे ये बताएं, ये जो हमें बिल्कुल निग्लिजेंस सही कह रहे हैं, जैसे बिल्कुल, इट्स अ कि वेरी मच राइट ओवर हियर। क्योंकि आपको याद है जब हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, हमें कितना टाइम लगा था इसको बिल्कुल एक 1 घंटा एक लग लफ्ज में गया था निकालने, क्योंकि इतने कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होते सिर्फ हैं, हम टॉपिक भी को। एज अ थेरेपिस्ट समझ नहीं पाते कि आप किस, क्योंकि देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझसे काउंसलिंग ले किसी भी चीज के लिए, तो हम स्किल बेस पे चले जाएंगे कि स्किल को ऐसे कर ऐसे कर ऐसे जी करें, या वो एक ये टाइप होती है, फिर दूसरी जिस जिस भी टाइप की हम काउंसलिंग की बात करें वो टाइप वाइज जी डिफरेंट टाइप वाइज होती है। लेकिन अब सपोज अगर मैं किसी को के साथ काम करूंगी, तो मैं जो है उसके जो जो चीज उसको आती है ना, ये जो उसकी फेवरेट चीज होती है, आई यूज दैट थिंग, यू नो, कि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करे। सो इफ समबडी कैन नॉट डू दैट, देन दैट इज, यू नो, शायद आपको आपको माइंड में आप डिस्कशन याद होगी जब मैंने इससे पहले डिस्कशन की थी, कितनी चीजें सामने मेरे लिए बिल्कुल नई थी और आपके लिए भी नहीं, कि मुझे कुछ उस चीज का आइडिया नहीं था। तो आप मुझे, जब एक बंदा जो बिल्कुल है एक नॉर्मल कम्युनिकेशन में आपको ऐसे कह देते कि हाँ मैं कर लूंगा, मैं देख लूंगा उसको, मैं देख लूंगी उसकी, तो आपके जहन में सिर्फ बिल्कुल एग्जाम्पल देखना, मतलब देखना वो डिफरेंट तरह का हो वो जाता है, एक मेरे एक, जहन में तो एक स्केचिंग हो गई थी क्योंकि आपको, आपके जी। लिए अगर मैं कहूँ देखना, तो आपके देखना ऐसे हो कि ओके आपने, मैं टाइम निकाल के देखू, लेकिन हमारे देखना चीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल बुक चीज देखते हैं, तभी हमारे लिए बहुत जरूरी होता है कि हम जो डिसेबिलिटी जितनी भी होती है, चाहे वो विजिबल हो चाहे इनविजिबल डिसेबिलिटी हो, पता है इनविजिबल डिसेबिलिटीज भी होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल एडीएचडी, ऑटिज्म है, बाकी प्रॉब्लम जैसे हो गई है कि मैम किसी आपकी आवाज क्या को मेरे लो पास होती है तो ही नजर तो कट है कि ऑफ बंदा आ क्या रही कर, है या बाकी सबके पास भी आ रही? सॉरी
मैम आपका नेट आवाज आ रही है आपको मेरी? अच्छा रिकॉर्डिंग में आप सुन लेंगे इसको, मेरे हाल से रिकॉर्डिंग में आप देख लीजिएगा जो मैं बात करना चाह रही हूँ, लेकिन पॉइंट इसमें यह कि मेरी आवाज आ रही तो आप काइंडली अपना जो है ना हाथ खड़ा करें, रेज योर हैंड। आपको शर्मा आ रही है मेरी आवाज? Let me try the message. अगर मैसेज आप पढ़ पाए यास्मीन आपको मेरी आवाज आ रही है? I think I'm totally stuck over here. मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही एंड मैं थोड़ा सा खुद बात कर लेती हूँ बाद में आप लोग जो है यू कैन हेयर दिस व्हाट आई एम सेइंग। अब आवाज आ रही है? So we are talking about negligence and that personal negligence and social negligence. और जैसे for example अभी आपने सुना यास्मी ने अभी discuss किया है कि what kind of attitude she faced in the school और कितने negligence उनके side पे थी and the way teacher treat the individual with the person with disability, it could be hearing disability, it could be other disability. So we really need to understand that के हमारा जितने भी इन्वायरमेंट है इधर स्कूल के अंदर है यूनिवर्सिटीज के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो इतना फ्रेंडली होना चाहिए वो इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि दे कैन मूव फ्रीली। अक्सर तो ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आई वाज वर्किंग विद अ चाइल्ड और उसको फिजिकल प्रॉब्लम थी उसको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी। प्रॉब्लम आवाज आ रही है? Totally mute. Yasmin, आपको मेरी आवाज आ रही है? Let me see if I can. बिल्कुल आवाज नहीं। But recording is going on. जी फायजा आपके आप अपना एक्सपीरियंस बता रही और आप एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आपने इशारा किया या एक पॉइंट रेज किया है जहां पे सेल्फ एक्सेप्टेंस का भी बोला आपने। सो आप क्या क्या कहती हैं इसके बारे में? आई वुड लाइक टू हियर योर ओपिनियन। मैं ये सब चीजों को एग्री करती हूँ जो मिस यास्मीन ने बोली है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक चीज बताएं कि क्या हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं उस तरीके से कि हमें निगलेक्ट किया जा रहा है कि हाँ कि आया ये प्रॉब्लम मेरे साथ है और मुझे ये चीज फेस करनी है तो मुझे इस चीज की एक्सेप्टेंस चाहिए, यानी कि एक्सेप्ट द वे एम आई और फिर मैं बाकी चीजों को एक्सेप्ट करूंगी ना, फिर ही कोई मुझे निगलेक्ट कर पाएगा। मैं अपने राइट के लिए कैसे आवाज उठाऊं जब मैं अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही हूँ इस वे में। जैसे आपको पता है मैंने अभी थोड़े पहले एक चीज लव्ज इस्तेमाल किया था जब हमारी रिकॉर्डिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी, मैंने एक लव्ज बोला था इनविजिबल डिसेबिलिटी का, हिडन डिसेबिलिटीज का। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो कि एपिलेप्टिक है, मेरे खास में एपिलेप्टिक भी है, आपको देख when you will look toward the person आपको आइडिया नहीं होगा, लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि उसको प्रूफ देना पड़ेगा तभी उसको एडजस्टमेंट दी जाएंगी, तब इसको राइट्स दिए जाएंगे, यू नो कि नो नो मैम आई डजंट मीन कि ये ऐसा है या इस तरीके से हो। कुछ लोग जब उनको नेगलेक्ट किया जाता है ना तो वो इस चीज को फेस नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हाँ मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है मुझे, तो मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि मुझे एक्सेप्टेंस मिले इनर और आउटर। अगर मुझे एक्सेप्ट किया जाएगा तो ही मैं अपने राइट्स के लिए आवाज उठा पाऊंगा,
कि इवन यहाँ पे मुझे निग्लेक्ट किया जाता है, यहाँ पे मेरे राइट्स पूरे किए जाए. यू नो मैं आपको एग्जांपल, जैसा आपने बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी ना मुझसे ना एक थेरेपिस्ट ने बात शेयर की कि उनके पास एक बच्चा था, तो बच्चा ऑटिस्टिक था, तो उन्होंने इस पर बड़ी मेहनत की और बड़े उनकी वीडियो लगाया. और हम अक्सर हमारे जो है ना ये चीजें लगाने का, वीडियो लगाने का मकसद ये होता है कि हम पेरेंट्स को इनकरेज करें कि हेल्प इज देयर, अगर हम थेरेपी की बात करें. और आप और बच्चे थेरेपी लेने से ना बेहतर भी होते हैं. तो वो सब कुछ की उन्होंने सारी मेहनत वगैरह की, जब वो बच्चा 3-4 साल गुजरे उस चीज को, तो वो कहीं चले गए शायद. फिर एक दफा उनके फादर ने उनको कॉल किया, थेरेपिस्ट को, उनको बोला कि आप जो है मेरे बच्चे सब वीडियोस डिलीट कर लें, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे को पता चले कि वो ऑटिस्टिक है. क्या आपको लगता है कि इवर इधर इट्स ऑटिज्म है या वो ADHD है या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है या विजन के प्रॉब्लम्स हैं? जैसे फॉर एग्जांपल यास्मीन अपनी स्टोरी जब शेयर की, तो उन्होंने बताया था कि उनको इतनी एक्सेप्टेंस ही थी कि उनको अपनी प्रॉब्लम्स का नहीं था पता कि क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है. क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप अपने आप से बार बार करते कि मैं फलानी चीज़ क्यों नहीं कर पा रहा. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को मुझे उसके इशू है, ईटिंग के प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जाम्पल स्लीप का इशू है, तो मैं चाहे जितनी भी कोशिशें कर लूँ, यानी कि मेडिकेशन तक भी मैं आप चले जाऊँ, तब भी अगर आपको नींद नहीं आ रही, व्हाट डज दैट मीन? देयर समथिंग गोइंग अराउंड यू, समथिंग आपकी कुछ बॉडी में ऐसा की चीज़ है कि आप नहीं कर पा रहे हो, यू नो. वो तो फिर आपको बाद में पता चलता है कि आपको जो है ना फूड एलर्जी थी, उसकी वजह से आप नहीं सो पा रहे थे, यू नो. लाइक आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. यही पे बात आती है अवेयरनेस की. अगर हमें खुद ही नहीं पता होगा कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम किस प्रॉब्लम में सफर कर रहे हैं, तो हम दूसरों को क्या बता सकते हैं? वही तो. अब वो अब बच्चे को छुपा रहे हैं कि आपको ऑटिज्म था. बच्चा जब बड़ा होगा और उसको पता चलेगा कि मैं बाकी बच्चों से मुख्तलिफ हूँ, वैसे तो सब बच्चे मुख्तलिफ होते हैं, यू नो, हम सब मुख्तलिफ हैं, लेकिन जब देखेगा कि लोगों का एटीट्यूड दूसरी तरह है और हमारी ना इन हम अगर डिसेबिलिटीज की बात करते हैं, उसको लेके जो कास्ट और रेस होती है उसके ऊपर इतने सवाल होते हैं कि इंसान जो वो समझ नहीं कि हम जाए कहाँ. क्या आप फलाने से इस तरीके से बोलते हैं, फलाने जो लोग होते वो इस तरह के होते, वो इस तरह के होते, तो आप तरह लोग वैसे ही आपको जो है ना लगता है कि जैसे आप ना बैटल फील्ड में चल रहे हैं. लिटरली मैंने आज सुबह किसी मदद को लगता है स्कूल्स नहीं है हमारे, ये जंग के मैदान है और लोगों ने इसे सर्वाइव होकर निकलना है, इतनी बैटल्स है वहां पे. तो जब आपके आने से पहले मैंने यास्मीन से बात की भी थी, ट्यूशन की बात की, अब पता मैंने ये बात क्यों की थी, क्योंकि देखिए जब हम एक बिहेवियर की बात करते हैं तो हम उसके साथ एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज की बात करते हैं. कुछ चीजें जो एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज होती हैं, एज के हिसाब से हमने करनी होती हैं. तो जब तक आप बाकी बच्चों में बैठेंगे उठेंगे नहीं, तो या उनको सुनेंगे नहीं, इनको बोलते हुए नहीं सुनेंगे, या वो मूवमेंट नहीं करेंगे, या अपने माइंड के अंदर एक माइंड मैप नहीं बनाएंगे, तो तब तक चीजें जो है यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन. आप अपने सेंसेस को किस तरह से शार्प करेंगे, यू नो. सो ये चीजें शायद इसलिए भी जरूरी थी. लेकिन एक और मकसद जो है ना इंक्लूजन का ये भी होता है कि बाकी बच्चे जैसे के ना बाकी बच्चे एक्सेप्ट कितना करते हैं आपको, ये सोशल नेग्लिजेंस में बात आती है ना. अब जो हमारा तरीका ये होता है कि हम शुरू में ना बच्चे की थेरेपीज करते हैं, जब वो इतना हो जाए कि वो उसके बिहेवियर या सेंसरी इशूज पे काम हो रहा है, इसकी स्पीच थेरेपी काम हो रहा है, जब चीजों पर काम हो, तो उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उसको स्कूल के अंदर भेजना शुरू करते हैं. लेकिन फिर भी उसकी थेरेपीज चल रही होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल द वे जो VI के इश्यूज होती है, वो जिस तरह से ब्रेल के ऊपर पढ़ते हैं, जिस तरह से करते हैं, या वो कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे आपके आने से पहले मैं इनको बताया भी था, एक सॉफ्ट पेन होता है जिसपे ना अगर आप जो रिटन टेक्स्ट होता है उसके ऊपर फेरें तो वो आप उसको सुन सकते हैं. फिर ऑडियो बुक्स भी होती है, बाहर तो बहुत ज्यादा ऑडियो बुक्स होती है, बाहर तो लेक्चर्स भी ऑडियो लेक्चर्स होते हैं, आपको मिल जाते हैं आराम से. तो ये सब चीजें अवेलेबल है, हमारे यहाँ कितनी कम इसकी अवेलेबिलिटी है. तो एक चीज की नीड लोगों को लगती नहीं है, लोगों ने एक चीज से आंखें फेरी हुई हैं. फिर एक और चीज भी होती है कि कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप खुद भी इस चीज को जानते हैं, जब घर में कोई ऐसा बच्चा होता है तो उसको छुपाया जाता है, उसको मेहमानों से नहीं मिलने दिया जाता, उसको शादी में जाते हैं तो उसको घर में छोड़ के चले जाते हैं, यू नो. ये चीज बहुत फेस करनी पड़ती है. आप देखिए यहाँ से जब एक पेरेंट या फैमिली मेंबर आपको नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है, क्या आप अपने आप को एक्सेप्ट कर पाएंगे? तो निगेटिवनेस फिर वहीं से आनी शुरू हो जाती है ना, कि एक्सेप्टेंस नहीं आ रही उसके अंदर, कि वो अपने आप को कितना एक्सेप्ट करे. बिकॉज एक जीता जाता जागता इंसान है और इर्द गिर्द के रवैये जो हैं वो बहुत असरअंदाज होते हैं आप पे. उनको लगता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर टॉकिंग और नॉट टॉकिंग, तो ये सब चीजें जो है ना ये अफेक्ट करती हैं. सो यास्मीन आप इस बारे में क्या कहेंगी?
कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बाकी फैमिली मेंबर से क्यों नहीं मिलने देते? इसलिए मैम मैं am I audible? जी जी बिल्कुल, yes you are. Okay. मैम जहाँ तक आपने बात किया है कि वो ये आ जाता है कि एक तो जैसे आपने अभी अब बात की है कि बच्चों को छुपाया जाता है या बच्चों को वो खुद भी है, फिर क्या होता है ये इस तरह से एक बबल बनने लग जाता है उस बच्चे के अंदर, वो सप्रेस होने लग जाता है, वो कैसे एक्सेप्ट करेगा यहाँ पे अपने आप को कि मुझे ये चीज है, वो कहेगा शायद मेरे अंदर ही कोई कमी है. आहिस्ता आहिस्ता वो, मैंने भी आपके जिस कनेक्शन से पहले मैं फायदा से ये बात कर रही थी कि यहाँ पे या बच्चा नेगेटिव हो जाएगा या एक्स्ट्रोवर्ट हो जाएगा या इंट्रोवर्ट हो जाएगा. एक्स्ट्रोवर्ट तो होगा ही नहीं, या नेगेटिव होगा या इंट्रोवर्ट हो जाएगा, या वो अपने आप को हार्म करेगा या फिर वो, क्योंकि इस चीज के नेग्लिजेंस के भी इफेक्ट्स आते हैं, आफ्टरमैथ्स होते हैं. अब वो आफ्टरमैथ्स क्या होते हैं कि वो क्यों नहीं मिलने देते. अब एक माँ बाप अपने बच्चों को दूसरे अपने उस बच्चे से या अपने बच्चे को छुपा के रखते हैं, अपने बच्चे को हाइड करके रखते हैं, नहीं लेके जाते हैं ऐसे इवेंट्स पे या अपने इवेंट्स पे. मोस्टली क्या होता है कि आप ऐसे सराउंडिंग्स में जाए ना तो वहाँ पे मोस्टली आपसे पूछा जाता है या आप एक अगर आपने देखा हो तो वो ना बच्चा जो होता है VI स्पेशली, वो साइड पे बैठा होते हैं, ना उसे कोई कोऑर्डिनेट कर रहा होता है, ना उसे कोई बात कर रहा होता है, ना उसे कोई हालचाल पूछ रहा होता है. वो आहिस्ता आहिस्ता ना अपने आप को समझते हैं कि आई एम अ मिसफिट, मैं यहाँ से मुझे निकलना है, मुझे नहीं यहाँ पे बैठना. आहिस्ता आहिस्ता वो सोशल गैदरिंग से सोशलाइजेशन से वो भागने लग जाता है कि मैंने नहीं यहाँ पे जाना, भाई मेरा क्या काम है ऐसी जगहों पे जहाँ पे मेरे से कोई बात ही नहीं करता या मैं वहाँ पे मिस बैठूं. वो लोगों से भागने लग जाता है, लोगों की कंपनी से भागने लग जाता है. क्या जाता है कि आपको जब निग्लेक्ट कर रहे हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे के अंदर, उस बंदे के अंदर, उस VI के अंदर टूट फूट होने लग जाते हैं और वो, मैं कहती हूँ कि वो उसके अंदर या आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन का शिकार होने लग जाता है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है और वो अंदर ही अंदर वो, या वो बहुत ही, आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को गुस्सा बहुत ज्यादा आने लग जाता है, एंगर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो इन चीजों का शिकार होने लग जाता है या वो फिर अपनी चीजों को तोड़ फोड़ करने लग जाते हैं या वो फिर अपने आप को नुकसान पहुंच. और ऐसे ही बच्चे मोस्टली एपिलेप्टिक का भी शिकार हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल दूसरी चीजों का भी शिकार हो जाते हैं. जब आपने भी कहा ना न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम बिल्कुल हानि शुरू होती है और होती है मैम, बिल्कुल होती है. और दूसरी मैंने सेल्फ हार्म वाली बात है ये चीजें. अब देखें लाइफ जो है ना, लोगों को ना बड़ा इजी लगता है कि आपको ना किसी भी चीज के बारे में कहें आपका वहम है, आप सोच रहे हैं, नहीं आपका वहम है, ऐसा कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं, ये सब कह के जो है उस इंडिविजुअल का जो है लाइफ एक्सपीरियंस उसको डिनाई कर रहे हैं. जैसे आप अपने आपको किसी चीज से रिलेट करें कि मुझे ये भी फील होता है, मुझे ये भी फील होता है, मुझे लगा कि उस बंदे ने मेरे बारे में बात की, मैंने सुनी आवाज़ सुनी, उन्होंने मेरे बारे में ये बात की या कुछ इस तरह से. मतलब जब आप एक रास्ते में चल रहे हैं पीछे से हमिंग हो रही है, बजिंग हो रही है, तो इंसान डेफिनेटली, क्योंकि देखिए जैसे आपने शुरू में कहा भी था कि पीपल आर सेंसिटिव, लेकिन जिनके इश्यूज होते हैं या जिनकी एक्स्ट्रा या सपोर्टिव नीड्स में कहूँगी होती हैं, उनके इशू उनको वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव और होते हैं, बिकॉज फ्रॉम द डे वन उनको अपनी एग्जिस्टेंस क्वेश्चनेबल लग रही होती है और हमें समझ नहीं आती कि हम किन लफ्जों को घुमा के इसके बारे में क्या बात करें. एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन होता है अगर आपको कोई मुंह लफ्जों से नहीं कहता, लेकिन बार बार आपको ये महसूस होता है या शायद करवाया भी जा रहा होता है, या उनकी बातों से या उनके जेस्चर से या उन वो जिससे आपको डील कर, आपको खाना नहीं कोई दे रहा, या मतलब जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ, एक लड़की का मैंने इंटरव्यू सुना और वो बड़ी अजीब सी बात की उसने, अजीब सी बात है लेकिन एक क्वेश्चन था उसका, उससे किसी ने पूछा वॉशरूम कैसे जाती है, शी वाज ऑन व्हीलचेयर, सो कहते वॉशरूम कैसे जाती है. देखिए अब से लोग इस किस्म के जब सवाल करेंगे तो आपको अपना फिर बोझ ही लगना शुरू होता है. लेकिन लाइफ इज टफ फॉर एवरीवन, लेकिन जिनकी इश्यूज हैं, जिनकी नीड्स होती है, जिनकी सपोर्टिव नीड्स होती हैं, उनके लिए और ज्यादा प्रॉब्लम है. लेकिन
अगर सोसाइटी कुछ और नहीं कर पा रही तो एटलीस्ट दे कैन शो लिटिल काइंडनेस, यू नो, जैसे आपने कहा पिटी की जरूरत जो है ना बाकी बिल्कुल नहीं आप लोगों को, बिकॉज किसी भी एक सेंसेस का काम प्रॉपर तरीके से ना करना डजंट मीन कि आपका ब्रेन वर्क नहीं कर, हमने अपने इतने अच्छे अच्छे जहनों को जाया किया, मैंने कितने लोगों को देखा बच्चे व्हील चेयर पे होते बल्कि देयर ब्रेन इज फंक्शनिंग बिल्कुल नॉर्मल फंक्शन कर रहा है और सिर्फ इस वजह से वो स्कूल नहीं जाते या वो स्कूल नहीं जा रही होती या और एक्सेस उनको चीजों को नहीं होती, लेकिन आप देखिए आपने एक जहन जाया कर दिया, कितने लोगों को हमने जाया किया, कितने अच्छे जहनों को हमने जाया किया, हमारे यहाँ वैसे भी साइंटिस्ट नहीं, हमारे यहाँ वैसे भी किसी चीज की डेवलपमेंट नहीं होती, तो एजुकेशन का अगर देखें हम लोगों ने जो एक डिस्टेंस एजुकेशन कोई बुरी चीज नहीं होती, अगर हम यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे या इधर इस्लामाबाद में बात करें तो यहाँ पे जैसे वो NIH कुछ करके आए इस तरह से इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे ट्रेनिंग्स होती हैं और इतने ज्यादा लोग उसको अटेंड करने आते हैं, पूरे पाकिस्तान से लोग उसको अटेंड करने आ रहे होते हैं, आप इतने रेगुलर बेसिस पे जब वो ट्रेनिंग करवा रहे हैं तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हो रही है, वो कौन अटेंड करते हैं, वो जो NGO के हजरात होते हैं वो आके अटेंड करते हैं, उनको स्कूल वो आके अटेंड करते हैं, वो भी आके ऐसे जीवो गरीब से नॉलेज कर रहे थे, कोई है वो कहते हैं मैं तो जहन पढ़ लेता हूँ आपको, फिर मैं तो ये कर लेता फिर मैं तो वो कर लेता हूँ, अजीबो गरीब से वो चीजें होती हैं, लेकिन इनके जो सेंटर्स होते हैं उसके अंदर आपने डिस्टेंस लर्निंग में जिन्होंने एजुकेशन तालीम हासिल की है वो इम्पॉर्टेंट है, यानी कि आपने ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा, मैं ये नहीं कह रही ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ने में कोई बुराई है, लेकिन आप जब तक उन लोगों को जाके नहीं देखेंगे, उनके साथ काम नहीं करेंगे, तब आपको आइडिया कैसे होगा। आई थिंक आपको भी इस चीज का आइडिया है कि नहीं है, यस मैम, यू हैव दिस आइडिया कि जो सेंटर्स हमारे यहाँ पे कौन लोग अपॉइंट है, मैक्सिमम उनकी है जिन्होंने ओपन यूनिवर्सिटी से पढ़ा होता है, बाद में डिपार्टमेंट खोल लिया, डिपार्टमेंट इसलिए खुल गया कि जब कोई हमारे कोई साहब थे उनके वो थे उनकी बेटी के साथ कोई इशू था तो उन्होंने जो है सोचा कि मैं इसके ऊपर बारे में काम करता हूँ, तो जब उन्होंने सेंटर ऑफ कराची के अंदर खोल लिया तो फिर उन्होंने इस्लामाबाद में पता चला कि फंड्स आ रहे हैं, और फंड जब आएंगे क्योंकि हर उसमें ना आपको पता है एजुकेशन में फंडिंग होती है, वो स्पेशल उनके लिए होती है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए फंडिंग होती है, वो हर दफा आती है, सो इट्स नॉट लाइक दैट कि फंडिंग अवेलेबल नहीं है, अगर हम इंस्टीट्यूशन से बात करें फंडिंग भी आती है, सब कुछ आता है, लेकिन जब उनको पता चला कि आज तो उन्होंने एक डिपार्टमेंट बना लिया यहाँ पे और डिपार्टमेंट में जल्दी से लोगों ने जल्दी से एक दो साल में पढ़ पढ़ के तो अपने लिए जो है जॉब्स बना ली, तो फिर पूरे पंजाब में आपको सेंटर्स मिल जाएंगे, लेकिन वहां पर फिर ये लोग अपॉइंटमेंट है, यानी कि जिन्होंने बैठे बैठे चार चार पांच पांच MA किए हुए हैं ये भी कर रहे हैं, वो उनकी सरकारी जॉब भी होती है, उन्होंने 2-3 MA भी किए होते हैं, पढ़ने में कोई बुराई नहीं, लेकिन बट डू यू अंडरस्टैंड दैट कि नीड्स क्या है, क्या आपने प्रैक्टिकल काम किया है कि नहीं किया, यू नो इवन BEd में भी कुछ मेरे ख्याल से सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ लोग पढ़ते हैं उस चीज को जो थोड़ी उसके हवाले से अगर देखा जाए तो, अब चाइल्ड डेवलपमेंट भी पढ़ाते हैं BEd में, मेरे ख्याल से चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ाई जाती है, बट उसकी एप्लीकेशन है, अब फ्लॉ देखिए कहाँ से आ रहा है, अब ये नहीं कि एजुकेशन लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसे भी हैं, फंडिंग भी है, इंस्टीट्यूशन इसको कैटर कर सकते हैं, बट दे आर नॉट कैटरिंग दैट दिस। जी हमारे पास फायजा को आवाज आ रही है, मीटिंग बहुत लंबी चली, फायजा को आवाज आ रही है, मुझे लगता है आज कुछ दिनों से माइनेट की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा यस्मीन मुझे बताया आपने शुरू में मेंशन भी किया था कि आप, यस मैम अब आई है, अब आई है, ओके मेरी नेट रीकनेक्शन हो गया था, हम आपको पॉइंट सुनना चाहते हैं भाई, एक मिनट मैम मेरा हो गया था रीकनेक्शन, तो मुझे अब जरा डिस्कशन का थोड़ा सा समराइज कर दें, अभी जो है मैं बता रही हूं मैंने अभी ज्वाइन दोबारा किया है ना, यहां पे देखिए ऐसा नहीं कि तालीम नहीं अवेलेबल, तालीम होती है, फंडिंग्स भी होती है, जो हमारे सेंटर्स खुले वहां पे जिन्होंने डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ा हुआ है वो सब अपॉइंट है, बाकी लोग भी अपॉइंट, ऐसी बात है कि बाकी लोग अपॉइंट ही, लेकिन मैक्सिमम तादाद उनकी है जिन्होंने यहाँ से पढ़ा, इट्स नॉट दैट कि बुराई नहीं है डिस्टेंस एजुकेशन में, बट क्या आपने उस बंदे के साथ टाइम गुजारा हुआ है, क्या आपने पेरेंट्स का टाइम गुजारा, क्या अपने पेशेंट्स का टाइम गुजारा हुआ है, क्या आपको पता उसकी क्या नीड्स होती है, आपने सिर्फ एक जो लाइफ स्किल्स होते हैं वो उस पर काम करना होता है, कम्युनिकेशन पे काम करना होता है, इंडिपेंडेंस पे काम करना होता है, जब सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट एंड यास्मीन वाज सेइंग कि कैसे बंदा जो है
नेगेटिविटी जब इंसान के अंदर आने शुरू होती है तो फिर आपके अंदर डिप्रेशन भी आता है, आपके अंदर एंग्जाइटी भी आती है, आपको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल मैम, ये इनिशियल स्टेज होता है कि नेगेटिव थॉट्स, इनिशियल स्टेज हमारा यही होता है कि नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं उस नेगलिजेंस की बेस पे, ठीक है। अब वो नेगेटिव थॉट्स के आने के बाद आप कैसे डिप्रेशन में सफर करते हो, उसके बाद एंग्जाइटी, उसके बाद इंसोम्निया, मतलब ये समझ लें कि ये मदर, ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, ये सब चीजों की बेसिक है। अब ये नेगेटिव थॉट्स को हम पॉजिटिव बिहेवियर से कैसे चेंज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये अवेयरनेस से होगा। और अगर ये अवेयरनेस इंक्लूसिव स्टडी में भी आ जाए, वैसे आ जाए, ओवरऑल बिहेवियर्स में आ जाए, तो आई थिंक सो के चीजें वर्कआउट कर सकती हैं अपने जो है ना एक जगह उस पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। हमारी सोसाइटी जो एक्सेप्टेंस हमें नहीं दे पाती वो भी देगी अगर ये चीजें सर्कुलेट हो जाए। तो उसमें देखिए, जैसे आपने बिल्कुल अभी ठीक बोला, ये हम सोसाइटी की बात है, सोसाइटी से पहले जो है एक नीड होती है जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी नीड होती है बिकॉज इधर इफ यू टॉक अबाउट अ पर्सन हु इज ऑन व्हील चेयर, उसको वो एक यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ रहा है तो वो कैसे क्लास ऊपर जाके लेगा, यानी कि वो थर्ड फोर्थ फ्लोर कैसे लेगा। ओके, आपने जो लेकर दिया, आपने स्लोप बना दी, तो उस यूनिवर्सिटी में एक लिफ्ट भी होनी चाहिए ताकि अगर क्लास है ऊपर तो जा, क्योंकि देखिए इतना आपने जो है ना बिजली इतनी चीजों पर लग सकती है, इतनी बेतहाशा जितने रकबा फैला यूनिवर्सिटी का, इतनी आपने लाइटिंग उसमें की है, क्या थोड़ी सी लाइटिंग जो है एक व्हील वो जो है एक लिफ्ट के लिए नहीं हो सकती, यू नो, ताकि एक्सीडेंट से बचा जा सके, जो वी आई है ताकि वो भी उस लिफ्ट को इस्तेमाल करके ऊपर नीचे आ जा सके। फिर इसके अलावा अगर हम अपने जो है शॉपिंग मॉल्स की बात करते हैं, रोड्स की बात करते हैं, बसेस की जो हमारी ट्रांसपोर्ट है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो ये चीजें करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, की जा सकती है। सोसाइटी तो हम कहते हैं कि वो एक सोशल चेंज आने में बहुत टाइम लगता है। मैम पहला स्टेप अगर कोई उठाए ना तो एवरीथिंग इज फेयर, वो तो सुनने में आते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये तो अगर ये अगर इसको हम वॉर ही समझ लेना तो ये बहुत बड़ी बात है कि वॉर है कि सोसाइटी के नेगेटिव बिहेवियर्स की जानिब, नेगेटिविटी की जानिब एक वॉर है बस, कि उसमें हम अपने आप को सेट कर सके। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है तो बिल्कुल मैम ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर कोई करे तो, कोई पहला स्टेप उठाए तो, लेकिन आप बोलेंगे तो तब होगा ना, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम डूइंग दिस, ये तो रीजन होती है, ये तो एडवोकेसी मैम, ये तो आप ये यकीन करें कि अभी हमारे सर्कल के लोग 30% भी अपने इशू को रेज नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो किसी के सामने इस इशू को रेज नहीं कर पाते कि इवन दैट हमें ये प्रॉब्लम है, हम इस प्रॉब्लम के साथ सफर कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल आर यूज्ड टू। और रीजन ये कि इसकी वजह से इन कॉन्फिडेंस की और बाकी जो है ना एक्सेसिबिलिटी की वजह से हमने अपने इतने अच्छे ज़हनों को हम जंग लगा रहे हैं, इतना टैलेंट है हमारे पास, इतनी माउथ हो जाते हैं ब्रेन ड्रेन, आप दूसरे मुल्क में, आपके अपने मुल्क में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ पे कितनी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से, तो मैं आप करने का देखा रीजन है इनको करने, मैं आपको कहूँ ना कि 100% टैलेंट में से ना 100% टैलेंट में से ना 40 या 60% के अगर आप रेशो बनाए ना, 60% हमारी वी कम्युनिटी में इतना टैलेंट है जिन्होंने अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लिया, वो कुछ एक्सप्रेस ही नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि हमें कोई फैसिलिटेशन तो मिलनी नहीं है, ठीक है, हमारे साथ तो ये समझ लें कि एक प्रॉब्लम है तो 10 हमने खुद से वो की हुई है, तो हमें कोई फैसिलिटेट तो करेगा नहीं, तो फिर हम क्यों इस चीज को आगे लेके चले। पता है जैसे यहाँ वाली बात है ना, उसमें ना आपको ये तो कलेक्ट होने की बहुत जरूरत है, अक्सर पेरेंट्स मुझे कहते हैं ना मैं कुछ करके बैठ कुछ करूँ कहीं पे लेके जाऊँ, पीछे मुझे पता चले मेरे पीछे कोई खड़ा ना हो, ये अक्सर होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल परसों मैंने एक सेशन किए हैं, अक्सर ऐसा था जो जिनके लिए वो सेशन इम्पोर्टेंट है या जिसने कहा है कि ये टॉपिक है वो खुद वहां पे अवेलेबल है, ओके इट्स
चलें आए ना आए हम चल अपना अपना काम करें कि हम एक जितनी हमारे जितनी हम लोगों की जिसे कहते हैं कि अपनी कैपेसिटी में रहे कि जितनी हम सोशल वर्क कर सकते हैं दैट इज आल्सो फॉर्म ऑफ सोशल वर्क यू नो कि आप किसी को टाइम दे रहे हैं किसी टॉपिक पे टाइम दे रहे हैं किसी कम्युनिटी को टाइम दे रहे हैं आपको ना सोशल वर्क ये चीजें करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत नहीं होती कि आपके पास पैसा आएगा तो फिर आप ये भी कर लेंगे आप वो भी कर लेंगे आप वो भी कर लेंगे ये चीज जो है ना कम्युनिटी बनाने से ना बनने से स्टार्ट सो पहला स्टेप क्या कम्युनिटी बनाती वो हमने मैं का सपोर्ट और मोटिवेशन हमारा पहला स्टेप होता है इसमें कोई फाइनेंस की जरूरत नहीं होती बैक सपोर्ट आपके लिए बहुत वैल्यू रखती है और वो एक एक दो दो लोग भी अगर आके आके जोड़ते हैं ना तो दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग मतलब आप ये मत सोचे कि आपकी आपकी टाइम मैटर नहीं कर रहा आपकी बात मैटर नहीं कर रही इट्स ऑलवेज मैटर ऐसा बिल्कुल नहीं कि मैटर नहीं करती आपको क्या पता आपने एक बात बोली है और किसी की जिंदगी उस लफ्ज से बन गई है यानी कि एक जुमला बोला आपने सर बिल्कुल और जिंदगी किसी की बना दी आपने यानी कि हम तो किसी को जिंदगी देने वाले नहीं है हम तो इंसान है मतलब देने वाले जाते लेकिन जिंदगी में बेहतरी जरूर ला सकते हैं बिल्कुल मैम जिंदगी में बेहतरी जरूर लाई जा सकती है वो कहते हैं ना अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नुम भी आपका अमल मैटर करता है मैम और आपने दिखाना भी होता है को रेज करना मैटर करता है जी एंड यू हैव टू प्रूव दैट यू आर वर्किंग यू नो कि आप कुछ कर रहे हैं मतलब बोलेंगे आप बहुत अच्छे आपको बोलने वाले मिल जाएंगे आपको बहुत अच्छे मेजबान बोलने वाले मिल जाएंगे बट जब जहाँ पे वर्किंग की बात है फॉर एग्जांपल मैं मतलब किसी से मेरी बात कर रहे तुम किसी चीज के बारे में काम कर रहे अब उस बंदे ने मुझे किसी के साथ मिलाया और हम आपस में बात कर दो तीन दिन हो गए हम आपस में बैठ के बात करें और अब बंदा खुद गायब है हमने कहा अब क्या कर रहे हैं अब अपने बंदा गायब सारा हो गया देखिए अगर वो बंदा अवेलेबल नहीं है वो जिसने प्लेज किया आप एक दो दिन देखे फिर उसके बाद हम ये चीज स्टार्ट करते बिकॉज उस चीज के बारे में काम करना बहुत जरूरी है जिस अवेयरनेस की बात की है सो एक तो हमने क्या कि हमने कम्युनिटी बनाई दिस इज व्हाट वी आर डूइंग वी आर एक्चुअली मेकिंग अ कम्युनिटी चाहे अभी लोगों को इस चीज का आइडिया चाहे आप लोगों को भी इस चीज का भी आइडिया नहीं है कि व्हाट यू पीपल आर डूइंग राइट नाउ बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप कोई तो बोल रहा है कोई तो बात कर रहा है कोई तो कुछ कह रहा है अभी मैं बाहर मतलब व्हेन आई एम टॉकिंग टू अदर पीपल इंटरनेशनली तो लोगों के मुझे मैसेज आता है हालांकि मैं कुछ नहीं कर सकती उन लोगों के लिए बिकॉज मैं उस मुल्क में नहीं हूँ लेकिन फिर भी जब उनके मैसेज आते हैं या वो अपनी कोई कंसर्न वगैरह शेयर करते हैं फिर लगता है कि हाँ आप कुछ बेहतर थोड़ा कर रहे हैं किसी की जिंदगी आपकी वजह से बेहतर हो रही है कोई माँ इस काबिल होगी कि अपने बेटे के लिए वो लड़ सके वो स्कूल जा सके बोल सके कि ये करे वो करे और मैं जब भी अभी भी मैं जब भी यहाँ पे किसी से बात करती हूँ मैं सबसे पहले कहती हूँ आप बोलना शुरू करें अपने बच्चे के लिए बोले थेरेपिस्ट से पूछे आप उनको पैसे दे रहे हैं कभी पेरेंट्स माइंड कर जाते हैं कभी कुछ हो जाता है लेकिन अब जो है ना आई डोंट माइंड दोस थिंग एनीमोर पहले मुझे बुरा भी लग जाता था मैं कहती कि नहीं कुछ कहना चाहिए मुझे इन चीजों को लेकिन जब मैं एक पेरेंट्स को ये बता रही हूँ कि आपने कहना तो उनको कहना चाहिए बिकॉज वो उनकी बच्चे की जिंदगी का मामला है उसकी बेहतरी का मामला है सो आप लोगों को अकाउंटेबल ठहराएं जो कि आपसे इतने सारे पैसे लेते हैं ट्यूशने दे रहे हैं आप उनको या थेरेपिस्ट करवा रहे हैं जो भी करवा रहे हैं जिस चीज़ का अगर उनसे वो चीज़ नहीं हो रही तो एटलीस्ट आपसे प्रॉब्लम शेयर करके क्यों नहीं हो पा रही आप किसी को अंधेरे में मत रखें इससे बहुत नुकसान लोगों को होता है लोगों की जिंदगियां जो है ना इससे कितनी खराब हुई अगर टाइम पर उनको चीज़ों को पता चल जाता और उन्होंने शायद अपने आप को उस पॉइंट से देखना शुरू किया तो शायद लाइफ उनकी चेंज होती सो एक स्टेप तो हमने उठा लिया कि हमने कम्युनिटी बना लिया यू नो दिस इज कम्युनिटी इसमें जब लोग आए बात शेयर करें So that's how things are and I think ऐसा ऐसा जो है ना मैं चीजों को समझ आने शुरू की थी हमने क्या क्या करना है किससे बात करनी है किस सके बात करनी है सो एट दी एंड आप दोनों कुछ कहना चाहेंगे ताकि फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर उसके बाद अगर आपने कुछ और करना है फिर हम डिस्कशन अपनी जारी रखें मैम आपकी आपकी आवाज फिर कट ऑफ हो गई थी बीच में थोड़ी देर के लिए हुई थी लेकिन अब मच बेटर Okay, I'm just saying, and you would like to say something? नहीं मैम मैं बताती हूँ हमने जब ये टॉपिक रखा ना नेग्लिजेंस वाला इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि कोई भी अगर इस मतलब रिकॉर्डिंग को देखने के बाद सुनने के बाद ये फेस करता है तो अभी भी वो अपने फीलिंग्स को अपने इशू को रेज करना शुरू करे इवन दैट सोसाइटी में रेज करे अपने होम लेवल से ठीक है इंटरनल लेवल से शुरू करे एक्सेप्टेबिलिटी
शुरू करे, ठीक है, इशू को रेज करना शुरू करे, जब तक हम इशू को रेज नहीं करेंगे सोल्यूशन नहीं बने. और जिस दिन सोल्यूशन बन गए ना मैम, ट्रस्ट मी, आप और मैं, हम लोगों को इस तरह के ओपन फोरम्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने खुद ही अपनी आवाज बनना है और खुद ही इस आवाज की. ऐसा है मैम? बिल्कुल, आपने सही कहा कि लेकिन एक किसी को ना हिम्मत देना बहुत बड़ी बात होती है. आप किसी को हिम्मत दे रहे हैं कि एटलीस्ट सोचने शुरू कर कि मेरा मसला क्या. आपने डिस्कशन को जनरेट करना होता, आपने एक थॉट प्रोसेस को जनरेट करना होता. तो अभी जो हमने कोई जी जितने हम कभी कर पाते हैं, कभी आगे पीछे हो जाते हैं, कभी थोड़ा बहुत जैसा हम लोग के पास टेक्नोलॉजी है, जिस तरह से भी हम रही है. नेट कनेक्टिविटी हुई मैम मेरे साथ. मैं अब तीसरी बार मैं ज्वाइन कर रही हूँ, लेकिन नेट कनेक्टिविटी के बाद भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इस चीज को सही तरीके से लेके चल पाऊँ. बट दैट मींस दैट यू ट्राई टू डू समथिंग. और आना जाना यू नो आपको बहुत टाइम मिलेगा एक चीज के बारे में बात करने के लिए. लेकिन किसी को ये कहना कि दिस इज अ कम्युनिटी एंड इट इज फॉर यू एंड यू कैन कम टू अस एंड यू कैन टॉक टू अस अबाउट योर प्रॉब्लम्स, दैट इज द रीजन वी जस्ट स्टार्टेड दैट. और बिल्कुल, ये फॉरम FANY प्रोडक्शन की तरफ से उन तमाम लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं, ठीक है, वो इस प्लेटफॉर्म पे आके वो ओपन डिस्कशन कर सकते हैं. एटलीस्ट अगर वो कहीं नहीं अपना इशू रेज कर पा रहे ना, तो एटलीस्ट हमारे इस फॉरम पे आके वो अपना इशू जरूर रेज करें. एंड गाइज, आई विल डेफिनेटली, हम कहते हैं कि वी विल हेल्प यू. Yes, the way we can. जहाँ तक हो सके. Now, Yasmin, would you like to say something? फिर इस discussion को off करके दो तीन चीजों को और discuss करते हैं, ठीक है? अपनी थोड़ी सी private meeting. Okay. या फिर हम, मैं फायदा की बात को बस एक लाइन ही कहूंगी कि अगर आप लोग हमारे साथ आएंगे, आप अपनी problems को हमारे साथ share करेंगे, हम लोग कुछ ना कर भी सके ना, हम आप लोगों के लिए एक अच्छे लिसनर जरूर साबित होंगे. क्योंकि आजकल के दौर में कोई अच्छा लिसनर भी मिलना बहुत मुश्किल है. तो आइए कमेंट सेक्शन में भी आप लोग आके अपनी राय को जरूर इजहार कीजिए और बताइएगा कि आप लोग कौन कौन सी प्रॉब्लम से फेस करें, कि कौन कौन से निग्लेक्टेंस हम लोगों ने इस मीटिंग में नहीं शेयर की. आप अपनी neglectings को जरूर शेयर कीजिएगा. And trust me, अगर आप एक बार ये step उठाते हैं ना, तो अक्सर औकात ऐसा होता है discussion में हमें कुछ ऐसी चीजों के भी answer मिल जाते हैं जो कि हमारे साथ हो रही होती हैं, लेकिन हम उन्हें raise नहीं कर पाते. So true. So that's for all for today. Saima, would you like to say something? Because आप काफी देर से खामोश बैठी हैं. कुछ कहना चाहेंगी Saima आप? Yes, you are still listening. I don't know if she's still here or not. But that's all for today. Thank you so much everybody for listening. And see you in the next discussion. Our topic bahut jaldi aap se hum usko share karenge. That's all for today.